गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज तो बहुत जल्दी निकला हूँ मैं, 8:30 में निकल गया। मैं जा रहा हूँ मैं नोएडा, क्योंकि आज मेरी मीटिंग थोड़ी जल्दी है। तो भाई लोग, अभी इतना धुंध हो रखा है, कोई भी गाड़ी तेज नहीं बढ़ रही आगे, और इसमें मैं भी रेंग रहा हूँ। और आप लोग भी फंसते हो गए तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है कि जब आप जाम में फंस जाते हो, फिर कोई उपाय होता नहीं, ना आगे ना पीछे, तो उसी में आगे बढ़ते रहो बस। तो फिलहाल तो यही कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं, ये जाम से निकल जाए तो वही बड़ी बात है। और आज और कल दो दिन वर्किंग है, फिर परसों तो छुट्टी है 26 जनवरी की। तो भाई लोग, सही में कैसे बताऊँ आप लोगों को, धुंध में गाड़ी चलाना आसान नहीं है। देख लो, सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, देख लो धुंध कितनी है। ऐसे धुंध में बेचारे सब, अभी हम लोग भी बचपन में ऐसे ही स्कूल जाते थे, बट हमारा मॉर्निंग में नहीं होता था इतना इशू, मतलब कि सुबह सुबह कौन जाएगा यार स्कूल। देख रहे हो, सारे ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और इतनी सुबह कौन जाता है। देख रहे, इधर भी स्कूल बस, सारी जगह ये वैन वाले, पूरा दिल्ली में तो वैन ही वैन चलते हैं, जिसको भी थोड़ा सा भी है अपने बच्चों को वैन से भेजते हैं स्कूल, और इतनी ट्रैफिक हो जाती है। देखो ये छोटा बच्चा कैसे जा रहा है, तो इतनी सुबह सब रेडी होना पड़ता है आज, मतलब यहाँ पे शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, इसलिए ऐसा है कि भाई जिसको भी जाना है ऐसे करके जाना पड़ेगा आपको। शिफ्ट में स्कूल चलाने के देखो आबादी ज़्यादा, वो तो फ़ायदा ही है, क्योंकि सबको पढ़ाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन तो शिफ्ट में कर देते हैं, दो शिफ्ट, तीन शिफ्ट, दो ही शिफ्ट होगा, मुझे तो ऐसा लगता है दो ही होगा, या गवर्नमेंट स्कूल में से तीन शिफ्ट है तो वो करते हैं वैसे, कि मतलब तो सारे बच्चे कवर हो जाएं, सबकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है तो उसके हिसाब से। और टीचर्स की कमी होगी, ये भी हो सकता है स्कूल की कमी हो, तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं। देखो भाई, देख रहे हो भाई लो, कबूतर कितने हैं देखो, और वो भाई कुछ दाना खिला रहा है उन्हें, बहुत मस्त लगता है। बहुत सारे चौक पे मैंने देखे हैं कबूतर, बहुत ज़्यादा। देख लो भाई लो, अभी मैं निकला हूँ ग्रेटर नोएडा हाईवे पे हूँ, और ये शायद MET कॉलेज है। देख रहे हो अभी दिवाली जैसा माहौल, और ये देखो। तो अभी मैं ग्रेटर नोएडा से निकला हूँ, अभी यहाँ से सीधे घर जाएंगे, मुझे लगेगा पता नहीं एक डेढ़ घंटे तो लगेगा। और आज ठंड बहुत है, मैं बाहर खड़ा था, मतलब बॉडी में एकदम ऐसे लग रहा है क्या हो गया, और मतलब ठंड बहुत है आज। और एक्चुअली अब पता नहीं क्यों थोड़ी सी, मतलब अगर आप ऐसे भी थोड़ा भी निगलेक्ट करोगे तो ठंड लगेगी बाहर में। तो गाइस अभी देख रहे हो कैसे, कभी कभी ऐसा लगता है रास्ता खाली मिल जाए मज़ा आ जाए, बट ये अभी इस रास्ते पे तो ऐसा ही है कि आपको गाड़ी चलाते चले जाओ लास्ट कहीं भी, मतलब यहाँ से आगरा तक, और मैं तो वापस जा रहा हूँ दिल्ली, मतलब दोनों साइड का बात कर रहा हूँ, यहाँ से DND तक और इधर से आगरा तक, आपको गाड़ी कहीं ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये तो फ़ायदा है इधर से जाने का। और देख लो अब मैं DND पे एक बार चढ़ जाऊँगा तो बस निकल ही लेंगे दिल्ली में, जो भी ट्रैफिक जाम मिल जाए। और भाई लो देखो, सबसे बड़ी बात है कि क्या आदमी करता है, इतनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको डील करनी है तो उसको, मतलब तरीका है हर चीज़ का। देख रहे इसको क्या पागल से जैसे गाड़ी चलाते हैं सब, तो हर चीज़ को एक्सेप्टेंस आपको अलग अलग होनी चाहिए, मतलब आप किस लिमिट तक क्या बात करते हो, और मतलब ज़रूरी भी है कि आप किस लेवल से कैसे क्या मतलब एक्सप्लेन करते हो। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, हर कोई मतलब कोई जैसे आप समझते हो, कभी आप कोई काम करते हो और उसमें थोड़ी भी इधर उधर हुई तो जो दबाव मतलब किसी का अगर है, तो आप सही भी किए हो तो गलत एक्सेप्ट
कर लेता है उससे, याद आप सोचते हो मिस्टेक हो गया आपसे, बट ऐसा होता नहीं है। आपको उसको एनालाइज करना है कि भाई इसमें कैसे किया गया था आपने, और कैसे हुआ है, और क्या है लोड, मतलब कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है करने का, मतलब आपने जो भी किया हो तो उसके हिसाब से वो फिट है नहीं है। और सही में मतलब एनालाइज करोगे तो आप करेक्ट, आप मतलब जो भी करते हो कोई भी काम हो सकता है कि सही हो गलत हो, पता नहीं। आप मतलब अपने अपने ऊपर है ये, हर आदमी कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाता है। मैंने एक चीज़ मतलब ये चीज़ नोटिस किया था मैंने, तो सोचा कि आपको बता दूं कैसा होता है। आप कुछ भी करो सही है तो आपको बताना पड़ता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये पार्क में कैसा अंधेरा हो गया है, पता नहीं क्यों यहाँ लाइट अब नहीं जलाते, बट जलाना चाहिए। तो अंधेरा अंधेरा सा देख रहे हो, ये नोएडा का पार्क है, मोस्टली शाम को लाइट होती होगी, अभी तो नहीं है, देख लो। और अभी DND पकड़ेंगे, DND लेकर सीधे घर, क्योंकि वही एक ऑप्शन मतलब अच्छा है, DND पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं होती है और लेट भी नहीं होता है। तो जरूरी है ये भी देखना कैसे होता है क्या है, भाई रास्ते में जाम मिल गया तो बस फंसे रह जाएंगे। जो भी दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली, मतलब नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा करते हुए उनको यार क्या दिक्कत होती है, पूरे रास्ते ट्रैफिक जाम, फिर आपको वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। देखते हैं तत्काल, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है करना कि आप मतलब कैसे आते जाते हो और कैसे इसको, मतलब बहुत दिक्कत है। रास्ते पे कैसा डेकोरेशन हो रखा है, ये UP गवर्नमेंट का काम है भाई, मस्त। ऐसे रात को लाइटिंग रहे रास्ते में तो क्या कहना। और एक बात है, बाहर एकदम ठंड है, गाड़ी में बैठो हीटर चला दो फिर तो भाई मस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो सीधे दिल्ली, अब आ गए DND के पास, और गाड़ी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोल दिया था मेरे को आज की गड़बड़े। तो ये चीज देख लो, ये है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से ये रास्ता कट होता है, सीधे जाकर DND में मिल जाएगा। जो लोग भी इधर जाते होंगे भैया बस ये रास्ता पकड़ो और दिल्ली में सीधे फुल से इन कर जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। देखा सीधे DND पे आ गए, देखो इधर ये DND है, कनेक्ट हो गया यहाँ पे। एक बात और है, आज मॉर्निंग से मैं भाग दौड़ी कर रहा हूँ नोएडा में, मेरी 2 मीटिंग हो गई। पहले मैं प्लान करके आया था 1 का, दूसरा भी शेड्यूल करना पड़ गया, और मैं वहाँ गया, वहाँ भी निकला।